उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि वे पावड़दोना में परमात्मा एक सेवक मानव धर्म आश्रम के परिसर विकास की योजना को मंजूरी देंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मऊदा तालुका के पावड़दोना स्थित परमात्मा एक सेवक मानव धर्म आश्रम में होम हवन ध्वज वंदन सेवक मेला का आयोजन किया गया। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने भाग लिया और सभा को संबोधित किया। परमात्मा एक सेवक मानव धर्म मंडल अध्यक्ष राजू मदनकर, सांसद कृपाल तुमाने, विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, टेकचंद सावरकर विधायक, इस अवसर पर आशीष जायसवाल, नरेंद्र भोंडेकर, सुनील केदार, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार आदि उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, परमात्मा एक सेवक मानव धर्म मंडल के संस्थापक बाबा जुमदेव ने मनुष्य में ईश्वर को खोजने के संदेश के साथ चार शब्दों, तीन सिद्धांतों और पांच नियमों पर इस मानव धर्म की स्थापना की है। अंधविश्वास को खत्म करने का महान काम किया। ऐसे में कई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इस मानवतावाद के अनुयायी है। इस मानव धर्म मंडल का कार्य सराहनीय है और पावड़दोना में स्थित परमात्मा एक सेवक मानव धर्म आश्रम के लिए तैयार की गई विकास योजना को मंजूरी देकर धन उपलब्ध कराया जाएगा, फडणवीस ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि नागपुर भंडारा राजमार्ग पर मानव धर्म आश्रम के बगल में पुल का नाम मानव धर्म आश्रम रखा जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।